अगला सवाल देखें, इफ़ 60% ऑफ ए इज़ इक्वल टू 30% ऑफ बी, बी इज़ इक्वल टू 40% ऑफ सी एंड सी इज़ इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ ए, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है तो हमसे क्या पूछ रहा है, सी इज़ इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ ए, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, ए 800, बी 200, सी 300, डी 500 हमारे ऑप्शन हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 60, तो हमें पहली इक्वेशन से किसकी वैल्यू मिलेगी, ए और बी दोनों की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 60% ऑफ ए और इक्वल टू 30% ऑफ बी करेंगे आप सॉल्व, तो बी इक्वल टू 2a आ जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू हमें 2a भी मिल गई और ए की वैल्यू बी बाई 2 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें यूज़ करना होगा हम इसको यूज़ करेंगे। नाउ बी, दूसरा इक्वेशन जो बी इक्वल टू 40% ऑफ सी है, तो ठीक है आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपकी सी की वैल्यू क्या आएगी, 5/2b, ठीक है, 5b/2, ठीक है। अब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है और ए की वैल्यू मिल गई पहली इक्वेशन से और सी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से, तो हमें जो थर्ड इक्वेशन में जो पूछ रहा है एक्स परसेंटेज ऑफ ए, उसमें हम सिंपली दोनों वैल्यूज़ को रख देंगे। तो जब इस वैल्यू को 5/5b/2 इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ बी b/2, तो एक्स परसेंटेज हमारे क्या आ गया, 5, तो परसेंटेज का साइन आप कैसे रिप्लेस करते हैं, 1/100 से, x/100 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 500 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी। थैंक यू।